Hi friends, I am MD Sams Tavre. Today let's start Science Physics Chapter Number 1. आज हम इस वीडियो में क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का 50 वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती है, ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सीधी रेखा में। ए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ए सीधी रेखा में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो आंसर दो, इसका पहला आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी 2। ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, यू बाई वी, यू इंटू वी, यू प्लस वी, वी बाई यू। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डी, ऑप्शन नंबर डी, वी बाई यू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है, वो दर्पण होगा कौन सा दर्पण होगा, आप लोग जवाब दें। ए केवल समतल, बी केवल अवतल, सी केवल उत्तल, डी या तो समतल या उत्तल। तो आप लोग जवाब दें, इसका आंसर हो जाएगा डी, या तो समतल या उत्तल। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी क्षमता मात्रक है, कौन लेंस की क्षमता मात्रक है, ए जूल, बी वाट, सी कांच और डी हीरा। तो इसका आंसर होगा कांच, सी कांच। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ए वायु, बी बर्फ, सी कांच, डी हीरा। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स हीरा, डी हीरा, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ए उत्तल लेंस को, बी अवतल लेंस को, सी ए बी दोनों, सी बाईफोकल लेंस। तो इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड्स उत्तल लेंस को, ऑप्शन नंबर ए। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, ए कांच में, बी पानी में, सी लोहा में, डी निर्वात में। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में प्रकाश का जो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, दर्पण सूत्र है, इनमें से दर्पण सूत्र कौन है बताओ, ए 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, बी हो गया 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f, सी 1/f प्लस 1/u इक्वल 1/v, डी ऑप्शन नंबर डी 1/f प्लस 1/v इक्वल 1/u। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। ऑप्शन नंबर 10 देख लेते हैं फ्रेंड्स, किसी कार का अगर दीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है, तो पहला ऑप्शन अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी समतल या उत्तल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी माध्यम के अपवर्तनांक यू का मान होता है, ऑप्शन नंबर ए साइन आर बाई साइन आई, ऑप्शन नंबर बी साइन आई बाई साइन आर, ऑप्शन नंबर सी साइन आई इंटू साइन आर, ऑप्शन नंबर डी साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी साइन आई बाई साइन आर। ऑप्शन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, किसी लेंस की क्षमता -2d है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स 0.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 0.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी -0.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी -0.5 मीटर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी 0.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है,
ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी अवतल लेंस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। अब देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन और प्रश्न उत्तर। ऑप्शन नंबर डी है क्वेश्चन नंबर 14। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक या काल्पनिक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वास्तविक। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है? ऑप्शन नंबर ए प्लस वी ई, ऑप्शन नंबर बी माइनस वी ई, ऑप्शन नंबर सी प्लस माइनस वी ई, ऑप्शन नंबर डी माइनस प्लस वी ई। तो फ्रेंड्स इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए प्लस वी ई। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। फ्रेंड्स किसी दर्पण का उपयोग सामान्य वाहनों का प्रश्न दृश्य दर्पणों के रूप में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। फ्रेंड्स इनमें से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। ओके अब हम लोग देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी धनात्मक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी ऋणात्मक। ओके तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मीटर, ऑप्शन नंबर बी सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी मात्रक विहीन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी मात्रक विहीन। सो फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी समतल अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सही आंसर देख लेते हैं इसका, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निर्वात में प्रकाश की चाल है, ऑप्शन नंबर ए 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 3×10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 3×10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रम से 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण होगा? ऑप्शन नंबर ए 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी 70 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी 70 डिग्री। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डाइऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है? ऑप्शन नंबर ए प्लस 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी माइनस 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी प्लस 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी माइनस 100 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लस 100 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी पीला, ऑप्शन नंबर सी हीरा, ऑप्शन नंबर डी बैगनी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा बैगनी। बैगनी रंग का जो आपका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी कम होती है, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तित होती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी कम होती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो ऑप्शन नंबर ए प्लस 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी माइनस 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी प्लस 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी माइनस 16 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी प्लस 16 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अब प्रकाश अपवर्तन तथा परावर्तन तथा अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो होता है इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 28, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो फ्रेंड्स का सही क्वेश्चन का जवाब आप लोग दें। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, गोलीय दर्पण के प्रावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए मुख्य फोकस, ऑप्शन नंबर बी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन नंबर सी प्रधान अक्ष, ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण का द्वारक। तो फ्रेंड्स का सही ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण का द्वारक। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धक त्रिज्यात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो फ्रेंड्स का ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर सी आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर डी आभासी और उल्टा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। तो फ्रेंड्स का सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर ए दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, ऑप्शन नंबर बी दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी दर्पण तथा बिंब की बीच की दूरी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है? तो फ्रेंड्स वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जवाब दें, इसका जवाब दें। ऑप्शन नंबर ए दोगुनी होगी, ऑप्शन नंबर बी आधी, ऑप्शन नंबर सी चौथाई, ऑप्शन नंबर डी बराबर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आधी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होगा? वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर वन सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस वन सेंटीमीटर पावर माइनस वन फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी मीटर पावर वन माइनस वन, ऑप्शन नंबर डी मीटर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी मीटर पावर माइनस वन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा, कौन सा दर्पण होगा फ्रेंड्स बताएं, वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल, ऑप्शन नंबर बी अवतल, ऑप्शन नंबर सी समतल, ऑप्शन नंबर डी समतल या अवतल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी समतल होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए दो, ऑप्शन नंबर बी एक, ऑप्शन नंबर सी तीन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दो होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? दो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो इनमें से क्वेश्चन फ्रेंड्स, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल, ऑप्शन नंबर बी अवतल, ऑप्शन नंबर सी समतल, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का सही आंसर जो हो जाएगा आंसर बी, ऑप्शन बी अवतल। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। परावर्तन के नियम में निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, ऑप्शन नंबर डी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एक, ऑप्शन नंबर बी दो, ऑप्शन नंबर सी तीन, ऑप्शन नंबर डी चार। तो फ्रेंड्स का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दो होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? फ्रेंड्स वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए समतल, ऑप्शन नंबर बी उत्तल, ऑप्शन नंबर सी अवतल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का सही जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आपका क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन होगा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? वीवीआई क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए उत्तल, ऑप्शन नंबर बी अवतल, ऑप्शन नंबर सी बाईफोकल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। यह क्वेश्चन तुमको पूछने का दूसरा तरीका होगा कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होगा? ऑप्शन नंबर ए R बराबर 2F, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी F बराबर R बाई 2, ऑप्शन नंबर डी R बराबर F बाई 2। तो फ्रेंड्स का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी F बराबर R बाई 2। वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 44। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? ऑप्शन नंबर ए लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन नंबर बी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, ऑप्शन नंबर सी अनंत पर, ऑप्शन नंबर डी लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 40 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए सीधा, ऑप्शन नंबर बी उल्टा, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वेरी वेरी आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी
उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। तो फ्रेंड्स का जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। अब फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर बी मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन नंबर डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो फ्रेंड्स का सही आंसर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस होता है ऑप्शन नंबर ए सभी जगह समान मोटाई पर, ऑप्शन नंबर बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ऑप्शन नंबर डी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का सही आंसर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। फ्रेंड्स ये वी वी आई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्ज़ाम 2023 के लिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। एक मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, ऑप्शन नंबर ए -1 डायोप्टर, D4 डायोप्टर होता है फ्रेंड्स याद रखना आप लोग, ऑप्शन नंबर ए -1 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी 1 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी 2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी 1.5 डायोप्टर। तो फ्रेंड्स का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1 डायोप्टर। तो फ्रेंड्स आज हम लोग ने क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लास टेंथ के बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा। आप लोग इसे बढ़िया से देखें और वीडियो को चाहे जितना बार चाहे उतना बार देखें। अब इसका जो अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा फ्रेंड्स, तब तक आप बढ़िया से पढ़ें, बढ़िया से मेहनत करें। और आप लोगों का मेरी यही इच्छा है कि आप लोग क्लास टेंथ 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा नंबर में पास करें।